वालेकुम, मैं अभी मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और आज तारीख़ है 4 मई 2024। अभी आपके सामने रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अब कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 3 पे पहुंच रही है। हिटाची लोकोमोटिव इसको लीड कर रहा है। ये लोकोमोटिव फैसलाबाद से रावलपिंडी तक लीड करेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर इंजन चेंज हो जाएगा और यहाँ से नई पावर जो है वो पेशावर तक इसको लीड करेगी। गाड़ी तकरीबन 3 घंटे लेट है और आज प्लेटफार्म नंबर 3 पे इसको रिसीव किया जा रहा है। काफ़ी रश है आप देख रहे हैं और ये जो पैसेंजर खड़े हुए हैं ये अपने किसी रिश्तेदार को रिसीव करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि इंजन के साथ जो है इकानमी क्लास की कोच हैं और एंड पे एक ऐसी बिजनेस क्लास की कोच होती है रहमान बाबा एक्सप्रेस में। बाकी फैसलाबाद में गाड़ी के साथ जो कोच होती हैं वहाँ पे डिटैच की जाती हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस का अब टाइम चेंज कर दिया गया है। पहले ये तकरीबन सुबह 10 बजे से 10:30 बजे पिंडी पहुँच जाती थी और अब इसका टाइम लेट हो गया है और 1:30 पर इसका राइट टाइम है अगर ये राइट टाइम आती है, और अब 2 घंटे लेट या 3 घंटे लेट हो तो ये फिर शाम को ही रावलपिंडी पहुंचती है और उसके बाद पेशावर तो ये रात के टाइम पहुंचती है। ये आप देख रहे हैं कि रहमान बाबा में काफ़ी रश है और इसी तरह आगे जो कोचें जाएंगी उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी रश जो है वो मौजूद रहता है। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट से अपना सफ़र दिन को 12 बजे शुरू करती है और फैसलाबाद इसका पहुंचने का अब जो नया टाइम है वह सुबह 6:25 पे और 6:55 पे ये फैसलाबाद से रवाना होती है। रावलपिंडी इसका पहुंचने का टाइम दिन को 1:30 पे है और 1:50 पे रावलपिंडी ये पहुंच जाती है। उसके बाद अटक सिटी में ये पहुंचती है 3:16 पे और 3:18 पे ये अटक सिटी से रवाना होती है और पेशावर कैंट इसका पहुँचने का अब नया टाइम जो है वो शाम को 5:10 पे है। तकरीबन आधा घंटा स्टॉप के बाद गाड़ी अब नए लोकोमोटिव 8316 के साथ